अब खबर रियाबड़ी से। तीसरे दिन भी रियाबड़ी के ग्रामीणों ने बंद रखे बाजार। तपती धूप में पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी सहित पुलिस जाप्ता व आरएसी मौके पर मौजूद रहे। अगर समय रहते इस घटना में लिप्त दोषियों को नहीं पकड़ा गया और कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो रियाबड़ी क्षेत्र में पुलिस प्रशासन के प्रति जन आक्रोश और भी बढ़ जाएगा। दरअसल 5 दिन पहले एक युवक ने पांडुकला थाने में मामला दर्ज कराया कि उसकी 21 साल की शादीशुदा बहन को रियाबड़ी निवासी अलाउद्दीन कुरैशी पुत्र जिक्रू कुरैशी बहला फुसला के भगा के ले गया है। आरोप है कि इस दौरान आरोपी अलाउद्दीन कुरैशी उसके घर आया और सोने चांदी के जेवरात भी ले गया है। इस मामले में डेगाना सीओ नंदलाल सैनी ने बताया कि मामले में अलग अलग स्पेशल टीम आरोपी अलाउद्दीन और युवती को तलाश में लगी हुई है। बचपन में हम कार्रवाई नहीं करे तो अभिनाथ जी भाई साहब कह रहे हैं कि अगर 7 दिन में बच्ची बरामद नहीं होती है, आरोपी गिरफ्तार नहीं होते तो मैं भी आपके साथ में धरने में बैठूंगा। ये तो कोई ताली नहीं बजाएगा, कोई आवाज नहीं करेगा, दो शब्द हाँ नाम बात ये आपका जवाब देना। तो इन्होंने कहा कि 7 दिन में, इन्होंने 7 दिन का टाइम मांगा और यादव साहब ने कहा कि 7 दिन में अगर बच्ची बरामद नहीं होती तो मैं धरने पर बैठूंगा। तो मैं 36 को हिंदू समाज रियाबड़ी व्यापार मंडल सभी नहीं होगा, इतना ही विरोध होगा। और ये नॉर्मल पुलिस प्रशासन 1-2 दिन के अंदर उसको पकड़ के लेके आ जाएंगे, जेल में डाल देंगे। लेकिन 4 दिन घटना के होने के बाद में ये पुलिस प्रशासन हाथ पे हाथ धरे हुए बैठा है। आज ये घटना के कारण हजारों लाखों लोग परेशान हो रहे हैं। रियाबड़ी का 4 दिन से बाजार बंद है, आस पड़ोस के जितने भी इलाके सारे के सारे बाजार बंद कर रहे हैं। पूरा व्यापारी वर्ग साथ है, सारे जाति धर्म बिरादरी वाले लोग हैं। लेकिन पुलिस को क्या पड़ी है? पुलिस तो मात्र इसको छोटी सी घटना मान के बैठी हुई। मैंने यहाँ के डीवाइस में डेगाना से बात करी, परसों मेरी बात हुई, मैंने व्हाट्सएप मैसेज डाला, मुझे कहा साहब आपसे निवेदन है कि जल्दी से जल्दी इसको पकड़कर निस्तारण कर देंगे। कल जब मैंने ये पोस्ट लगाई कि मैं कल यहाँ रियाबड़ी जा रहा हूँ, सुबह मेरे पास में बीप साहब का फोन आ गया। उन्होंने मुझे कहा कि साहब आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस धरने को बंद करवा दो, बाजार खुलवा दो, 5 दिन का मुझे समय दे दो, 5 दिन के अंदर अंदर उसको पकड़ के नहीं लेके आओ तो फिर साहब कार्रवाई करने। मैंने कहा अगर युवक साहब तुम्हारी बेटी को कोई मुश्किल देकर चला गया होता तो क्या 5 दिन तो इंतजार करते? क्या किसी उपखंड अधिकारी का है, किसी का डिप्टी का, सीएम की बेटी को कोई अधिकारी लेकर चला गया होता, कोई दुरंधर लेकर चला गया होता, या तो 5 दिन इंतजार करते? उन्हें शर्म आती इस बात के लिए कि पुलिस एक चप्पल को चोरी कर उसको पकड़ लेती है, लेकिन आज हमारी बहन बेटी को उठा के लेकर 5 दिन बाद में उसका आता पता नहीं। कैसा प्रशासन है, कैसी नीच हरकत हुई है। लेकिन सर जो आज जनवार्ता हुई है उसके बारे में क्या वहाँ हुई है उसके बारे में जानकारी? वहाँ तो वार्ता हुई थी, श्रीमान एडी सुरेश जी साहब भी वहाँ बता रहे थे, MLA साहब जयकारण भी मौजूद थे और वहाँ की सारी पब्लिक भी वहाँ मौजूद थी। उनकी मांग एक ही थी कि शीघ्रता से शीघ्र लड़की को दस्तियाब करें और मुलजिम को उसके किए के अंजाम तक पहुँचाएँ। इस बारे में श्रीमान एडिशनल SP साहब ने और मैंने दोनों ने ही पूर्णतया पब्लिक को ओपन मन